हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे ये वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही अच्छा भी है। जिन लोगों को भी बेबीज नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, या फिर जिनको भी पीसीओडी एंड पीसीओएस की वजह से पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है, या फिर थायराइड की वजह से उनका पीरियड टाइम पे नहीं आता है, या फिर जो माँ नहीं बन पा रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, आपने सारी दवाइयाँ जो है वो कर ली और कुछ भी नहीं निकला, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है कि अगर आप माँ नहीं बन पाते, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई इशू है या फिर आपको ट्यूब ब्लॉक है या फिर आपको टीवी है, यानी कि जो आपको क्या बोलते हैं बच्चेदानी की टीवी है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक अलग चीज़ है, उसका आप इलाज करिए। लेकिन अगर आपने सारे टेस्ट करा लिए, जैसे मैंने भी 5 साल तक कंसीव नहीं किया था अपनी शादी के, लेकिन मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, हर चीज़ नॉर्मल थी, इवन थायराइड नॉर्मल था और मेरा पीरियड हमेशा रेगुलर टाइम पे होता था, अच्छा फ्लो होता था, मुझे कोई भी मुझे ट्यूब ब्लॉकेज की दिक्कत नहीं थी, मुझे टीबी नहीं था बच्चेदाने का, हल्का सा ट्यूब ब्लॉक था। तो उस बारे में मैं कभी और बात करूँगी कि ट्यूब ब्लॉक अगर आपका है तो आप क्या करें। इवन इस चीज़ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ट्यूब ब्लॉक है तो आप क्या करें जिससे कि ट्यूब आपका बहुत ही जल्दी ओपन हो जाए, वो चीज़ अलग है, उसका टॉपिक अलग है। लेकिन आज मैं जिस पे बात कर रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चा ना होना ये सारी चीज़ें हमारे पीरियड्स पर निर्भर करता है। अगर हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं, हर चीज़ सही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती प्रेग्नेंट होने से अगर सारी चीज़ें सही हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊँगी और जिसका बहुत ही कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वो चीज़ आपको मार्केट से लेनी है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी लिंक से ले लीजिए या कुछ भी, आप अपने घर के बगल के मेडिकल स्टोर पे जाइए और वहाँ से परचेज कर सकिए। ये एक न्यू रिसर्च भी आप बोल सकते हो, एक नया तरीका भी भारत में बोल सकते हो, जिससे काफ़ी लोगों ने बेनिफिट उठाया है और अब आपकी बारी है कि आप भी बेनिफिट उठाइए। आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, ये अलग मैटर करता है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ये मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप ये मत सोचिए कि नहीं अब मैं सारी निराशा हो गई, अब मैं नहीं हो सकती। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बताई थी कि जिसके थ्रू मैंने किस तरह से कंसीव किया था आफ्टर 5 ईयर। और ये जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये भी मैंने 2-3 चीज़ें की थी जिसकी वजह से विद इन अ टू मंथ यानी 5 साल से जिस चीज़ का मैं इलाज कर रही थी, लाखों हजारों रुपए खर्च किए, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, जब मात्र 100 रुपए में मुझे उसका बेनिफिट मिला और विद इन अ 2 मंथ्स मैंने अपना जो है प्रेग्नेंट हुई, मैंने कंसीव किया और रिजल्ट आपके सामने है कि आज मेरा एक बेटा है 4 साल का। तो बहुत से लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी निराश मत हो, ये चीज़ें हैं, लेकिन वही ना कि एलोपैथ की तरफ लोग इतना भाग रहे हैं कि जो चीज़ें हैं हमारे पास वो भी हम खोते जा रहे हैं। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। इससे पहले भी जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया हुआ है, हो सकेगा तो लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप देख लीजिएगा इनमें या उनमें से आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो या फिर एक एक चीज़ आप एक साथ कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप वो मेडिसिन करिएगा, यानी कि वो मेडिसिन आपको कोई मंथवाइज नहीं करनी, 10 से 12 दिन से करनी है, लेकिन जब वो मेडिसिन आप करेंगे तब ये वाला नहीं करेंगे और जब ये करेंगे तब वो नहीं करेंगे, दोनों चीज़ों को अलग अलग आपको रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये जो मैं आज आपको बताऊँगी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एकदम क्लीन करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बच्चेदानी की पूरी सफाई होगी, हर चीज़ जो वहाँ पे नहीं सही है वो दुरुस्त होगी, जो भी इन्फेक्शन है वो दूर होगा, सारी चीज़ें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है। देन उसके बाद जो मैंने वो वाला मेथड बताया है वो करना है, वो आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है, कंसीव करने के लिए है। ये फर्स्ट जो नुस्खा है ये आपके सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, पीरियड क्लीन करने के लिए, पीसीओडी वालों को प्रॉब्लम होती है, थायराइड वालों को प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें
अंदर से जितनी भी गंदगी आपने जमा रखी है, इवन दवाई खा खा के या फिर सिस्ट के रूप में वो सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, देन उसके बाद आपको वो चीज़ करना है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी लगी है उसे बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ दसमोला रिस्ट की। आपने सुना होगा सिर्फ आफ्टर प्रेगनेंसी ये दसमोला रिस्ट लिया जाता है, लेकिन आप इसके बहुत सारे ऐसे हब्स हैं, अगर मैं नाम लूँगी तो शायद आपको उसके बेनिफिट्स नहीं पता हों, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे या फिर इसके बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप जानते हैं कि अंदर से गंदगी निकालेगा, पूरा फुल रिपेयरिंग मोड पे ये डालेगा आपको, साथ ही साथ मतलब बहुत सारी बीमारियों को आपको दूर करेगा ये। बस आपको इसे 2 महीने तक लगातार लेना है। अगर आपको पीरियड की प्रॉब्लम है, पीरियड रेगुलर है तो वो वाला जो है वो आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीसीओडी वाले या थायराइड वाले, जिनको पीरियड की दिक्कत रहती है, वो इसे 2 महीने तक लगातार लेंगे। 2 चम्मच ये आपको दोपहर के खाने के बाद लेना है और 2 चम्मच आपको रात के खाने के बाद लेना है। अगर आप कॉलेज में हैं, ऑफिस गोइंग है, लंच ले जाते हैं, तो इसकी छोटी शीशी या फिर छोटे बॉक्स में करके इसे रख लीजिए। 2 टेबल स्पून दोपहर में लीजिए, 2 टेबल स्पून रात में लीजिए। 2 महीने तक आप इसे ऐसे ही रखिए। देन उसके बाद आप वो वाली मेडिसिन करिए जो, अगर आप पीरियड नॉर्मल नहीं हो रहे हैं तो आप 3 महीने से कर लीजिए, और ये करने के बाद जो मेरी कंसीव वाली मेडिसिन है आयुर्वेद की, वो लीजिए। देखिए बहुत ही जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पीरियड रेगुलर होंगे, आप कंसीव करोगे और आप भी मां बन पाओगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा उपाय है, मैंने आपको बताया आपको कैसे लेना है, कब लेना है, और ये 2 चीज़ें अलग अलग रखिएगा। जो वो वाला वीडियो है वो कंसीव करने के लिए है, ये वाला वीडियो रिपेयरिंग है, यानी कि आपके अंदर से रिपेयर होगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।